हेलो, वेलकम सर, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू। और संदीप सर है आज हमारे साथ, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। सर का काफ़ी एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी, लास्ट टाइम हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट सर ने गाइड किया था उनको, तो यही है सर का एक्सपीरियंस। और जो चीज़ें एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में भी करते हैं सर, वही सब चीज़ें आज आपको बताएंगे। और उसके क्लास के बाद भी आप सर से आप अपने डाउट है वो ले सकते हैं सर, प्लीज़। थैंक यू विनय भाई साहब। जितने भी फ्रेंड्स साथ जुड़े हुए हैं, जो अब इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो जो सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेट्स करूंगा कि वो सक्सेसफुल हुए, इंटरव्यू तक पहुंचे। जितने बच्चे पहुंचे हैं, तो जितने वैसे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वो फ्यूचर में इस बात का लाभ उठाएंगे। मैंने इस आज की डिस्कशन का जो नाम रखा वो साइकोलॉजिकल गैप एंड सिंपलिसिटी ऑफ एचसीएस इंटरव्यू। वो पर्टिकुलरली जो सिनारियो चेंज हुआ है अब की बार, आप सब ने उस चीज को एनालाइज किया होगा कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि एचसीएस का पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया है, और सिनारियो में सारा गेम माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का रह गया है। और जो इन चीजों को समझ लेगा, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना केवल एप्लीकेंट्स, जो बच्चे जा रहे हैं इंटरव्यू में अपीयर होने, इंटरव्यूवी नहीं, इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी का भी अब की बार अलग तरीके से हम ध्यान है। अगर हम डीपली, जैसे विनय भाई साहब कह रहे थे, इतने सालों से हम एचपीएससी की प्रोसेस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उसे देखते हैं, तो अब की बार ऐसा क्या चेंज हुआ? हम सब सरप्राइज रहे कि जब केवल 61 कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं, वो ये तो मान ही बैठे हैं, और ये सच भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कि वो सब सिलेक्टेड है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि ऐसे बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हैं जो कि इंश्योर्ड है कि हम सिलेक्टेड है, और सिलेक्टेड भी ऊपर की 60% वाली पोस्ट है, उनपे हम सिलेक्टेड हैं। सर, इसमें ऐसा और तो नहीं है कि ये 1/3 वाला लग जाए क्राइटेरिया कुछ? नहीं, ये चीजें कंफर्म हुई है, 1/3 वाला क्राइटेरिया। जहां तक मैंने जितनी सोर्सेज से मैं कंफर्म कर सकता था, वो मैंने चीजें कंफर्म की हैं। वो मिनिमम का क्राइटेरिया 45% वाला मेंस में ही था, कि टोटल में 45%। और ये सरप्राइजिंग है, हम तो कैलकुलेशन कर ही रहे थे कि पिछली बार लगभग 460 के लगभग बच्चे अपीयर हुए, उसमें से मान लो कि 60 दोबारा नहीं पेपर में अपीयर हुए, वो अपनी पोस्ट से सेटिस्फाइड हो गए, तो 400 के बच्चे जो थे पिछली बार जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया, उसमें से 61 अगर निकलते हैं, तो ये भी नहीं हम मान सकते कि 61 उन्हीं में से ही आए होंगे जो लास्ट टाइम इंटरव्यू फेस किया। नए बच्चे आए हैं, और नए बच्चे आते ही पहली बार इंटरव्यू में इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि हम तो सिलेक्ट हो चुके हैं। इट्स फर्स्ट टाइम इन लाइफ हमने ये देखा है कि एचसीएस में, मेनली दूसरे और एग्जाम्स में भी, कि आप सिलेक्टेड होकर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर, तो एक मुझे, मैंने बुक पढ़ी थी काफी सालों पहले, गेम इन गेम, तो वो इंडिया की फुटबॉल वुमेन फुटबॉल प्लेयर की कैप्टन रही है, उन्होंने ये लिखा है गेम इन गेम। तो मुझे वही चीज याद आई कि अब की बार तो गेम इन गेम है, तो सारा गेम जो है वो तीन वेरिएबल्स होते हैं। हम जब एचसीएस इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूवी, इंटरव्यूअर और कंटेंट्स। के कंटेंट्स वो अपना क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके ऊपर जो इंटरव्यूवी है वो अपने व्यूज रखता है, ओपिनियन रखता है, चाहे वो फैक्ट बेस्ड है, चाहे वो नॉलेज बेस्ड है, ओपिनियन बेस्ड है, जितने भी हैं। तो तीन तीन इसके वेरिएबल्स होते हैं। मैंने सारे इस सिचुएशंस को, नए इकोसिस्टम को, नई साइकोलॉजी को मैंने अलग एंगल से देखा, तो मुझे ये लगा कि क्यों ये साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है, ये माइंडसेट है अब की बार केवल इंटरव्यूवी का, जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, कि केवल उन पे ही प्रेशर नहीं है। और फिर मैंने ये जांचने की कोशिश की, एनालाइज करने की कोशिश की, कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन पे भी अब की बार अलग ही साइकोलॉजी से वो लोग बैठेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें हम डिस्कस भी नहीं यहाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, जो बच्चों के साथ डायरेक्टली लिंक होंगी। मैं अपने इस कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, कुछ टर्म्स डिफाइन करता हूँ, जैसे साइकोलॉजिकल गैप। साइकोलॉजी मैं बिल्कुल, जैसे मैंने सिंपलिसिटी लिखी, कि हम सिंपल चीजों पे ही बात करेंगे,
हम सिर्फ बेसिक्स पे ही बात करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली वही वहां पर जाके प्ले करती है, ना केवल इंटरव्यू में, आप प्रिपरेशंस के दौरान, मेंस लिखने के दौरान, की प्रिपरेशंस और अटेम्प्ट करने के दौरान, इवन कुछ खेल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए या कुछ करते हुए, बेसिक्स ही इंपॉर्टेंट होती है। हम उस बेसिक्स को कितना रिइंफोर्स कर पाते हैं वही चीजें मैटर करती है। तो सिंपली मैं डिफाइन करूं साइकोलॉजिकल गैप को कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द आवर प्रिडिक्शन के व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन इंटरव्यू एंड व्हाट विल एक्चुअली हैपन। इन दोनों में कितना डिफरेंस होगा वो एक साइकोलॉजिकल गैप है मेरे हिसाब से, और वो साइकोलॉजिकल गैप नेचुरली हर इंटरव्यू में रहता है। इसके इसके दो तीन फैक्टर्स है कि हम प्रिडिक्ट भी करके चलते हैं कि इंटरव्यू में हमसे क्या पूछे जाने वाला है, इवन के 11th आवर तक, लास्ट मिनट तक जो बच्चा इंटरव्यू दे के आ रहा है, बाहर बैठे हुए एप्लीकेंट्स उससे पूछते हैं यार तुझसे क्या पूछा, यार उनसे क्या पूछा, उस पर कितनी मिनट लगे, और वो जो वो हमारी साइकोलॉजी को लास्ट मिनट तक जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो मेरे लिए मतलब क्या है कि साइकोलॉजिकल गैप, ये साइकोलॉजिकल गैप ये है। और मैं जब चीजों को देख रहा था, एनालाइज कर रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है जो खुद मैंने ही दिया है, तो मुझे ये भी लगा कि अल्टीमेटली हमारी दो चीजें मैटर करती हैं, एक हमारा माइंडसेट, एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमारा माइंडसेट क्या है, और टाइम फ्रेम पे अगर हम बांटें, अगर मानते हैं कि हम 25 मिनट का इंटरव्यू है, तो पहले 5 मिनट में हमारा माइंडसेट क्या है, जब बैठ के हम अचानक क्वेश्चन हम पे कोई डायरेक्टली फैक्ट का आ जाता है और जो हमने उम्मीद नहीं की होती, जबकि हमारा पहले का एक्सपीरियंस होता है, पिछले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, दूसरे बच्चों का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस हम पे, हमारे माइंडसेट पे हावी होता है। फिर अगले 10 मिनट के लिए, अगले 15 मिनट के लिए हम वहां पर कैसा बिहेव करते हैं, हम पे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम प्रिपेयर करके आए वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट फील होते हैं। लास्ट 5 मिनट्स क्या होता है, क्या लास्ट 5 मिनट्स में इंटरव्यूअर हमारे साथ टाइम ही पास कर रहा होता है, बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, क्या वो वाकई सीरियसली होता है, तो कई फैक्टर्स होते हैं। तो इन सारी चीजों पे हम देखें कि हमारा माइंडसेट ओपनिंग में कैसा होता है, हमारा कॉन्फिडेंस शुरू में कैसा होता है, बीच में कैसा होता है, लास्ट लास्ट में कितना होता है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे इंटरव्यू पे, क्योंकि मेंस में लिखते हुए हमें कोई प्रेशर नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होती है, ना केवल हमारी बॉडी लैंग्वेज बल्कि हम अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इंटरव्यूअर की बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी देख रहे होते हैं, उससे भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काफी असर पड़ता है। ये सिंपल सिंपल छोटी 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 चीजें हैं जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ और चीजें आगे डिस्कस करेंगे, कुछ ड्रिल्स पे भी डिस्कस करेंगे, कुछ एरर्स पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं। तो मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि सबसे पहले हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकल गैप जो है वो कम रहे, कि वहां पर एक्चुअली क्या होने वाला है। एक्सपीरियंस के बेस पे हमने कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है कि क्योंकि केवल 61 स्टूडेंट्स जो है वो एप्लीकेंट सबके बार इंटरव्यू में अपियर होंगे और ऑलरेडी सिलेक्टेड अपियर होंगे, नाउ इट्स ए मैटर ऑफ चांस ऑफ सिलेक्शन एंड टाइम, और वो किस माइंडसेट से जा रहे होंगे, और जो इंटरव्यू बोर्ड होगा, इंटरव्यू कमेटी होगी, वो किस माइंड सेट से बैठे होंगे। तो पहला मेरा आइडिया लग रहा है कि अब की बार जो है वो कुछ इंटरव्यू का टाइम बढ़ने वाला है 5-7 मिनट, जो अमूमन देखने में आता है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो अब जो है मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना एक्सपीरियंस इतने सालों से हर बार हम देखते रहे हैं, क्योंकि देखो 20 साल से अब तक हमारी सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पॉलिटिकल फैक्टर्स बदले हैं, उसी इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स से, इस सिचुएशन से, इकोसिस्टम से हम भी आते हैं, और जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो भी आते हैं, उनका प्रोफाइल भी उन सारी चीजों का मैटर करता है। तो एक तो ये लग रहा है कि टाइम बढ़ सकता है, और खासकर उस बच्चे का टाइम बढ़ सकता है कि जो वाकई ही इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो इंटरव्यू में अपने ओपिनियंस अच्छे दे रहा है, कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल नेचुरल और न्यूट्रल तरीके से वह वहां पे इंटरेक्ट कर रहा है।
अपने व्यू दे रहा है। इंटरव्यू का मतलब हम सब जानते हैं कि एक दूसरे का व्यूज है, उसके ऊपर देखना है, समझना है। और जनरली HCS जो है वो वहां पे नॉर्मली फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं, मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा फेंके जाते हैं, स्टार्टिंग में फेंके जाते हैं। बच्चा उसको किस ढंग से लेता है, कैसे माइंडसेट से वो गया है, और वो वहां पर इनका कितना असर पड़ रहा है, इन चीजों का भी असर पड़ता है। अब की बार ये लग रहा है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लग रहा है कि अब की बार ट्रांसपेरेंसी का जो है वो उसकी हाइट रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, ना ही मेरा ये ओपिनियन है, लेकिन अब की बार बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। हम एनालाइज करें पिछले बार के इंटरव्यूज को, मिनिमम मार्क्स को और मैक्सिमम मार्क्स को और उसके बीच की रेंज को, तो ये जो रेंज रहेगी ये बहुत क्रिटिकल रहेगी, क्योंकि टॉप 60% की पोस्ट में एप्लीकेंट्स हैं, घूम रहे हैं, और दो दो चार चार नंबर जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे, आपकी छोटी छोटी परफॉर्मेंस के बेस पे, आपके छोटे छोटे बिहेवियर्स रहेंगे, आपकी लैंग्वेज कैसे रहेगी, आप कैसे रिस्पोंड कर रहे हो, और कई क्वेश्चंस जो है वो जान के भी नेगेटिव फेंके जाते हैं। आप सही बता रहे होगे आंसर, फिर भी कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। तो आप, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितने अच्छे ढंग से उन सिचुएशंस को कूल होके, कैलकुलेटेड होके और न्यूट्रल माइंड से, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने सही फ्रेजिस को यूज करते हुए आप वहां पे कितना जवाब दे पाएंगे, वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार प्राइमे फेसी ऊपर से देखने में ये लगता है कि अब की बार इजी है, लेकिन सच ये है कि अब की बार सिचुएशन वाकई ही ट्रिकी होने वाली है, टाइम लगने वाला है, बहुत न्यूट्रली जो है वो इंटरव्यू को एनालाइज करके जज करने वाली सिचुएशंस होगी, और वो दो दो चार चार नंबर का जो डिफरेंस होगा वो नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस पे, उन पर्टिकुलर सेकंड्स में, उन मिनट्स पे, उन फ्रेजेस पे, आप कैसे कंप्रिहेंड करते हैं सिचुएशंस को और उसको कैसे आप एनालाइज करते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी जो है आपकी, आपका माइंडसेट जो है, आपके एटीट्यूड जो है, जो मैं कॉमन सिंपली लैंग्वेज में बोलूं कि जो हमारी फैक्ट्री सेटिंग होती है हर एक की, इतने सालों से जो हमने अपनी पर्सनैलिटी को बनाया होता है, वो फैक्ट्री सेटिंग जो है वो बड़ी अब की बार अहम होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो हम उसको उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। देखो ये सब हम जानते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि नॉलेज के पूछे गए, फैक्ट्स पूछे गए, उसके बाद आपकी एजुकेशन प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, आपके ऑप्शन सब्जेक्ट पे पूछे गए, करंट्स जो चल रहा है वो पूछा गया है, आपके हरियाणा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपकी हॉबीज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सिंपली चीजें हैं जो जिसके अराउंड हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो अब इन चीजों के इससे बाहर अब की बार भी कुछ चीजें नहीं इतनी ज्यादा होने वाली है, लेकिन अब इन सब जो वेरिएबल्स हैं, इन सब कंटेंट्स हैं, इन सब कंटेंट्स को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग जो है अब की बार थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। जिन बच्चों ने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया है, उससे पहले भी इंटरव्यू दिया है, तो उस पे भी हमें बारीकी से काम करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड, अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल से मेरा मतलब क्या है कि जितना भी बच्चों ने पहले इंटरव्यू दिया है और उन इंटरव्यूज का उनका अपना एक्सपीरियंस, और जो उन्होंने अपने पीयर ग्रुप पे दूसरे दोस्तों के साथ इंटरव्यू बांटे हैं, ऐसे ऐसी जो हमारे इनबिल्ट एटीट्यूड चीजों में जाके, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें छप जाती हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस के दौरान अचानक ही इम्पल्सिव होके बाहर निकलती हैं। तो हमें इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। जैसे बहुत बार ये चीजें हैं कि किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू काफी अच्छा गया, मार्क्स कम आए और वो एलाइड में आया या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी नहीं आया, किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उसके मार्क्स फिर भी अच्छे लगे, किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उसके मार्क्स फिर कम लगे, उसके मार्क्स कम लगे। इन सब चीजों के बीच में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की हम पर जो छाप पड़ जाती है, जिसको मैं कहता हूँ कि प्री एग्जिस्टिंग हमारा माइंडसेट है, उस पे हमें कुछ काम करने की जरूरत है। मैं यही चीजें सोच कर आया आपकी बार, के जो सिचुएशन नई बनी है कि उसको हम कैसे थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं।
छोटी चीजों पे, और सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, सबके माइंडसेट्स हैं। तो मैं ये कहूंगा कि पहला स्टेप हमें अपनाना चाहिए कि हम ये एक्सेप्ट करें कि साइकोलॉजिकल गैप रहने वाला है। हमें आशा से निराशा उत्पन्न होती है, हम प्रिपेयर होके चीजें जाते हैं, हम वहां बैठे बैठे भी पूछते हैं कि उनसे ये पूछा, उनसे ये पूछा, आपकी बार ये पूछने वाले हैं, हो सकता है वो पूछा भी जाए, हो सकता है वो ना पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए तो ये कहा जाए कि भाई ये आंसर तो हम सुन रहे हैं, आपको नई चीज बता दो, सेम बात रिपीट भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका माइंडसेट कितना है, आप चीजों को कितना प्रिपेयर होके गए हो कि हाँ ये चीज होने वाली थी और यही हो रही है, तो मैं इससे मेरा कॉन्फिडेंस जगमगा नहीं रहा है, मैं इन चीजों को आराम से झेल रहा हूँ, इनको आराम से बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें अगली बात क्या है कि पहले हम एक्सेप्ट करें कि साइकोलॉजिकल गैप रहने वाला है, किसी भी इंटरव्यू में रहने वाला है, अब की बार भी रहने वाला है, और जब साइकोलॉजिकल गैप रहता है तो हम उस पे उस सिचुएशन में अपने आप को कितना कूल रखते हैं, अपने आप पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालते और सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है। अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे तो हम आने वाले जो अगले 15-20 मिनट इंटरव्यू पे होंगे तो उसको उस पे हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक्सेप्टेंस हमें पहली हमें रखनी चाहिए कि हाँ ये चीजें होंगी और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। एक्सेप्टेंस के बाद दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी कि हमें इस पे अभी काम करना है, काफी टाइम बचा हुआ है, कि हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझ पाए। जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो स्टेट है या तो हमें पता है या नहीं पता है, जो फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछे। अब फैक्ट्स के क्वेश्चन हम कितने प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉलेज तो इतनी वास्ट है, जितना हम पढ़ के यहाँ तक आए हैं, अब हो सकता है वो प्री वाला ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेंस का सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसका कोई एंड नहीं है और उसका कोई मैच भी नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या कहेंगे, सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ। तो इन छोटी छोटी चीजों पे हम किस तरीके से रिस्पोंड करते हैं, हमें अभी काम करने की आवश्यकता है। ये एक डायरेक्शन से एक फ्रेमवर्क है जिसपे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेचर ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आए, जैसे सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमसे पूछा गया कि क्या सोचते हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है, तो अब इस क्वेश्चन की नेचर क्या है, हम ब्लंटली इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते कि नहीं जी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं जी हाँ आवश्यकता है, बनना चाहिए। तो हम एज ए सिविल सर्वेंट हम गवर्नमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम इस क्वेश्चंस को कैसे झेलेंगे। तो ये एक एग्जांपल से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझना है और उसमें एक बैलेंस व्यू देना है। आप जितने भी फ्रेंड्स हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं या आगे जाएंगे तो वो इस चीज को समझे कि नेचर ऑफ क्वेश्चन से हम यहाँ क्या मतलब ले रहे हैं। हम उसको बैलेंस व्यू लेते हैं, चलो हमने मान लिया कि बैलेंस व्यू लिया, हम ये कहेंगे कि नई सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ना केवल इंडिया की बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जो है वो कंडीशंस काफी बदली हैं, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, और जो है वो इतनी सारी नेचुरल क्लाइमेटीज हैं, सब चीजें इनके बेस पे हमारे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ पार्ट्स हमें बदलने चाहिए, कुछ पार्ट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिस्से हैं वो नहीं बदलने चाहिए। अगर हम ये कहते हैं तो फिर हम यही तो नेचुरली हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, तो हमारे ऊपर और क्वेश्चन ये आने वाला है, अच्छा बताइए फिर आपके हिसाब से कौन से पार्ट्स नहीं बदलने चाहिए, कौन से बदलने चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे हैं प्रैक्टिस में, वो एक कॉस्मेटिक अफेयर रहा है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं, उसमें से भी हम कुछ पार्ट्स बदल सकते हैं, कुछ को हम मैंडेटरी कर सकते हैं, फिर आगे कुछ 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 और चलता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस पे हमें प्रिपेयर होना है, हमें माइंडसेट अपना सही रखना है, अपने आप का कॉन्फिडेंस रखना है कि हम ऐसी ट्रिकी सिचुएशन पे क्या जवाब देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो चल रहा है तो उस पे भी हमारे ओपिनियन होने चाहिए। तो इन सारी चीजों पे हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर हो सकते हैं, और ऐसी सिचुएशंस जब आती है तो बहुत बार देखा गया है कि इंटरव्यू बोर्ड के 2-3 मेंबर अचानक बोल पड़ते हैं, आप पूरी बात पूरी नहीं कर पाते, फिर दूसरा बोल पड़ता है, फिर तीसरा बोल पड़ता है, अच्छा आपने ये कहा आपने ये कहा। तो इस सारी सिचुएशंस के लिए हम कितना प्रिपेयर हो सकते हैं, हमारे पास सफिशियंट टाइम है, और वो प्रिपेयर जो मैं कह रहा था कि हमारी फैक्ट्री सेटिंग कैसे हो सकती है, वो सारे हमें मॉक इंटरव्यूज के माध्यम से पता चलेंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी छोटी छोटी ड्रिल्स करनी चाहिए, जैसे कोई प्लेयर्स ड्रिल्स करता है छोटी छोटी, तो हमें
छोटी रील्स हमें डेली बेस पे करनी चाहिए, हमें सिचुएशंस फेस करनी चाहिए, तो नेचुरली हम जो हैं, हमारा पर्सोना है जो इतने सालों से हमने बनाया, वही जाके तो एक्चुअली वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। अगर हम उसपे समय रहते, अपने उस माइंडसेट पे, अपने एटीट्यूड पे, एप्टीट्यूड्स पे, अपने इम्पल्सिवनेस पे, अपने ऊपर हम कहाँ से प्रेशर ले रहे हैं, कोई मेंबर 1 मिनट में ये भी कह सकता है, नहीं, ये तो गलत है, ये आप कैसे बोल सकते हो, तो हालांकि आप सही बोल रहे हो, तो आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट कैसे उस ढंग को, अपनी इस बात को डिफेंड करना है, उनसे पोलाइटली कैसे डिसएग्री होना है, क्योंकि ये तो ओपिनियन है, और आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, इंटू बोर्ड के किसी मेंबर का ओपिनियन जो है वो अलग हो सकता है, वो विलिंगली भी आपको रोंग प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके सही होने के बावजूद भी, आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल उस आधे घंटे तक कितना रहने वाला है, कैसे आप वहाँ पे कोशिश करेंगे कि बहुत बार ऐसे भी कई बच्चे ट्राई करते हैं कि वो खुद ही इंटरव्यू को को चलाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस बोल के, इस तरीके की फ्रेजेस बोल के, जबकि मेरा नहीं मानना कि ये सारी चीजें HCS में चलेंगी, ये दूसरे इंटरव्यूज में, UPSC में चीजें हो सकती हैं, क्योंकि UPSC बोर्ड जो है आपको रूम देता है कि आप चलो बहो फ्लो करो अपने थॉट्स के साथ, या आपके आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, और वो रेजिस्टेंस आपको ये भी लगेगा कि यार ये क्या है, हम इतना पढ़ के आए हैं, क्या क्या इस इंटरव्यू के लिए आए हैं क्या, हम ये हो क्या रहा है, ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी आपको प्रिपेयर होना है कि वो साइकोलॉजिकल गैप जो आपको वहाँ पे फेस करने को मिलेगा, वो आने वाले आगे 5-7 मिनट जो होंगे, जो कंक्लूडिंग हिस्सा होगा इंटरव्यू का, उस पे आपका प्रभाव डालेगा, तो आपका पेशेंस, आपका माइंडसेट, आपकी नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझना, नेचर ऑफ क्वेश्चंस में मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या है इंटरव्यू बोर्ड की, वो आपको ये लगेगा कि वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछ के टाइम पास कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप आंसर कैसे कर रहे हैं, आप ब्लंटली आंसर्स नहीं देना, आपने शॉर्ट आंसर्स नहीं देने, आपने वो आंसर्स बड़े लॉन्ग भी नहीं देने, और आपने उनके प्रभाव में भी नहीं आना कि वो वो ये भी सिचुएशन हो सकती है, एक मेंबर कहेगा नहीं वेरी गुड आप सही कह रहे हैं, दूसरे कहेंगे ये नहीं है, और वो दो लॉजिक भी देगा, तो ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे अपना मोटिवेशन कंसिस्टेंटली हाई रखेंगे उस आधे घंटे के लिए, और मुझे अब की बार ये लग रहा है कि टाइम बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो पीसफुली चीजें देखेंगे, और वो जो यही यही चीजें जो आपको डिफरेंस करेंगी 4, 5, 7, 8 नंबर का इंटरव्यू में, और 5, 7, 8 नंबर का इंटरव्यू में कहाँ से किस पोस्ट पे कहाँ तक ले जाएगा, ये बहुत बहुत सारी चीजें माइन्यूट फैक्टर्स हैं जिसको सिंपली हमें जो है वो एड्रेस करना है, हमें इस लाइन पे प्रिपेयर करना है। कुछ ड्रिल्स हैं, ड्रिल सिंपल वही होती है, सभी मॉक टेस्ट करते हैं, और मॉक टेस्ट करते हुए भी नेचुरली आप अच्छी जगह जा रहे हैं, तो अच्छे अच्छे आपको मॉक टेस्ट होंगे, जो नए सिचुएशन सॉरी आई गॉट ए कॉल, अब जुड़ गया हूँ मैं, मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर, यस सर, प्लीज। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीजें बहुत मैटर होने वाली हैं, और जिन जो HCS के सिचुएशंस को समझते हैं, कि अब ये देखिएगा कि जो बच्चा पिछली बार इंटरव्यू फेस करके गया, इंटरव्यू में मोर देन 45 मार्क्स लेके गया, वो प्री में पास नहीं है, वो प्री में पास है तो वो मेंस में पास नहीं, क्योंकि जो HCS का साइकिल है वो बड़ा बड़ा दर्दनाक है, मैं यही कहूंगा के, और ऐसी सिचुएशन में जब आप जीत के इतने करीब पहुंच गए हो, जीत के सक्सेस ब्रैकेट में भी आप घुस गए हो, तो वो छोटी छोटी पोस्ट जो है ऊपर से नीचे तक आने वाली चीजें वो बड़ा दर्द देती हैं, वो मीठा मीठा दर्द देती हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम छोटी छोटी चीजों को समझें, जो बातें, हालांकि मैं बहुत सिंपल सिंपल बातें बोल रहा हूँ, लेकिन सिंपल बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां से प्रिपेयर करो, वो विनय भाई साहब हैं, सारी चीजें आपको तो उन्होंने बिल्कुल ब्रीफली बताते हैं, वो मैं काफी लंबे समय से उन्हें जानता हूँ, वो इतनी मेहनत करते हैं एक एक माइन्यूट चीज पे, तो ये जो छोटा सा चीजें मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ डॉट बॉल भी होंगी, हम बॉल कर रहे हैं तो वाइड बॉल भी जाएगी, लेकिन वो एक गेम का हिस्सा है, ना कि हम उससे अपनी साइकोलॉजी को वहां पे कमजोर कर दें, तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी ड्रिल्स हैं, आप क्वेश्चंस अपने आप से फ्रेम कीजिए, आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, मॉक इंटरव्यूज भी जो नए इकोसिस्टम और जो बिल्कुल फ्रेश नए वेरिएबल्स को एनालाइज कर रहे हैं और नई सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वहाँ फ्रिक्वेंसी रखिए, आप खुद इस प्रकार की जो बातें मैं बोल रहा हूँ इन फैक्टर्स को समझिए, और
नेचुरली हम लोग जो रिजल्ट्स भी देखते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी देखते हैं, हम प्रोफाइलिंग करते हैं नेचुरली। मैंने जैसे कहा कि लिमिटेशन से मैं नहीं बोल सकता, वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है, तो मेंबर है, मेंबर की कितनी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी कितनी नॉलेज है, वो नेचुरली सब न्यूज़पेपर रीडर हैं, करंट से बात उठा सकते हैं। मैंने दो चार एग्जांपल्स दिए, कुछ टॉपिक तो वो मैं नहीं बोलूंगा, विनय सर ने सारे बोले होंगे आपको कि क्या करंट में पढ़ना है, G20, एशियन गेम्स, ये सब वो करंट में उस दिन भी सुबह क्या आया हुआ है, तो आप उस चीज को भी प्रिपेयर होके जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको बनाए रखें, प्रिपेयर होके जाएं कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, मुझसे 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मेरे 10 भी गलत हो सकते हैं, वो मैं सरप्राइजिंग भी हो सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। तो आप न्यूट्रल होके जाए, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पे मत जाए, नए वेरिएबल्स हैं, मॉक टेस्ट लें, छोटी छोटी ड्रिल्स करें। ड्रिल्स यही है कि कोई भी चीज आपने देखी है, जैसे एम स्वामीनाथन का पीछे वो नहीं रहे हमारे बीच, तो उस उन उनके कितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, उसके बैलेंस व्यू करके देखें, चीजों को समझ के देखें। खुद वही इंटरव्यू बोर्ड आपको क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज करके कोई स्टेटमेंट्स दे सकता है। और एक एक अब की बार मुझे लग रहा है जब टाइम ज्यादा है, तो वो एक 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 ही क्वेश्चन के साथ आपको हो सकता है 10 मिनट चलाते चलें कि जी आप इसी पे वो पिन दो, इसका ये डायमेंशन दो, उसका ये डायमेंशन है, फिर वो कैसे हुआ। हर मेंबर एक ही क्वेश्चन पे आपको लंबा खींचे, आपको लगे कि ये क्या है, मैं तो फंस गया इसमें, मैं तो ये प्रिपेयर होके नहीं आया था। तो क्योंकि जो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है, आप इतने सालों से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, तो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, सेल्फ ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ बिलीव। आप मेहनत कर रहे हो, आप डेली जुड़ रहे हो विनय सर के साथ, आप और जगह से भी प्रिपेयर कर रहे होगे। वही बात मैं कहता हूँ कि जैसे हम पढ़ते हुए बच्चों को बताते हैं कि एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए, बजाय कि 10 बुकों को, बुक्स को एक एक बार पढ़ना चाहिए। तो आप जहाँ जुड़े हैं वहां जुड़ा रहिए, उन पर ट्रस्ट रखिए, और छोटी छोटी चीजें जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं, जो विनय सर एफर्ट्स करके ला रहे हैं, आप उन पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए कि ऐसी सिचुएशन में वो आपको जब यहाँ तक लाया है, आपके आगे उसने सिलेक्शन रख ही दिया है, तो अब ये छोटी सी चीज जो रह गई है, ये वही बात आती है कि 90-95 रन बन जाते हैं, 95 से सेंचुरी बनने में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जो आपका टेम्परामेंट होता है, अब वो टाइम है उस पर आपको काम करने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत करिए, ऐसी सिचुएशन में ये लगता है कि एप्लीकेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स की तरफ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कामयाब नहीं होते हैं, वो कई बार नुकसान भी करते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, सिंपलीफाई कीजिए चीजों को, वहां पे भी आप सिंपली चीजें जाइए इंट्रैक्शन करने के लिए, जो आप यहाँ मॉक टेस्ट और चीजों को सुन रहे हैं, कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखिए, जिन लोगों ने आप पे मेहनत की है आप उन पे कॉन्फिडेंस रखिए, और सर्टनली जो आप हैं वो आपको सक्सेस दिला के रहेगी। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने सही में ही, एक जब मैंने टॉपिक देखा था ना, तब मुझे लगा पता नहीं क्या ही होएगा इस टॉपिक पे आज, तो ये हो। लेकिन हूँ। जो सही में एक साइकोलॉजिकल, हम भी चीजें समझते लेकिन इतनी सिंप्लीफाइड, बल्कि आपने कर दिया इस चीज को इंटरव्यू के लिए, बच्चों के लिए। देखो मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे इस बात को सुन रहे होंगे, और मतलब दे आर, मतलब मुझे खुद आज तक, मतलब मैंने कभी इतना इंटरव्यू में मैंने जो पॉइंट नोट किया, मेरे लिए इतनी क्लैरिटी होगी कि मुझे मेरा रोड मैप आगे के लिए कैसे करना है बच्चों के लिए तैयार, जो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट हमें दिए हैं और चीजें हैं, मतलब कि अमेजिंग है सर बिल्कुल। कि ये जो आपने बताया कि गैप, इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस से फिर हम वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन कर पाएंगे जो पूरा है। एक और थोड़ा ठीक है, अभी एनालाइज करके ही आपने जो ऑब्वियसली कैपेसिटी, ये एक्सपीरियंस ही है आपका जो, आप कि भाई मे भी लॉन्ग हो सकता है कि बच्चे कम है, तो ठीक है, इनको भी क्लैरिटी होगी, मतलब जो एक जो साइकोलॉजिकल गैप आपने इस इंटरव्यू से ही कम कर दिया हमारा, ये है कि इससे काफी चीजें हमें ऑलरेडी आइडिया हो गया, तो मे बी ऑलरेडी एक प्रिपेयर होंगे, हम भी इस डायरेक्शन से थोड़ा को काम करेंगे कि ये गैप इनके लिए भी कम रहे और बच्चों को भी काफी फायदा वैसे इस सेशन से। यस, अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो सर से, एक स्टूडेंट्स। जी प्लीज प्लीज। सर रिक्वेस्ट एक मैं भी करूंगा आपसे, ये ठीक है, हम तो पूरा कर ही रहे हैं, इकोसिस्टम जो आप बता रहे हो, नहीं बिल्कुल नए जी तरीके से, नए ऑफिसर से सब साथ हम भी करते हैं इसको, आप भी अगर बच्चों का थोड़ा जी साथ मॉक इंटरव्यू में, तो ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आप कहोगे बच्चों हाँ की मदद के लिए हम हमेशा क्योंकि तैयार सर हैं, हाँ ये जब वो भी ये आप है, कहोगे। ये साइकोलॉजिकल गैप थोड़ा इनको प्रैक्टिकल में हम ट्रेनिंग देके इनको उसमें करना चाहते हैं सर। जी, श्योर, थैंक, क्वेश्चन है ठीक किसी है, का? हाँ ओके।
आई थिंक सर आपने इतना सिंप्लीफाइड ही किया सबको, सब मेरे को खुद सारी चीज समझ में आ रही है, सबको आ रही है, सब क्लियर एकदम बिल्कुल चीजें सर। हाँ जी, नहीं, अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों को, जैसे हम भी कैंडिडेट्स हो तो हमें ये लगता है कि जी क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा हाँ जाएगा, कैसे उसका जवाब दें। मेन चीजें बच्चों की जनरली यही कंसर्न रहता है, तो जी वो सर, जो वो चीजें हैं वो तो वही, तो वही गैप के बारे में हमने बात की है, तो वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बल्कि हमें ये करना, जितना हम प्रिडिक्ट करेंगे उतने हम शोक में जाएंगे वहां पे। सही बात, मैं मेरा मकसद ये है कि न्यूट्रल होके जाए, हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के जाए, जैसे भी क्वेश्चन आए वी आर वेल प्रिपेयर्ड। बस ये। थैंक यू।